हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि। मैं इज हियर टू गाइड यू। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज मैं आपको माइग्रेन की या फिर जो सिंपल हेडेक होता है उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करूँगी। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो थेरेपेटिक्स में इधर उधर किताबें ढूंढते रहते हैं या फिर जिनकी एक सिंपल क्वेरी आती है कि हमें थेरेपेटिक्स जो है वो किस बुक से पढ़नी है। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चन है इसका तो मैं आंसर आपको दे चुकी हूँ कि थेरेपेटिक्स को आपको बोरिक मटेरिया मेडिका से पढ़ना है। आपको फालतू के जो चक्कर है उनमें नहीं पढ़ना है कि किताबें कौन सी पढ़ें, क्या देखें, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना ही नहीं है। आपको सिंपल जो बोरिक मटेरिया मेडिका है उसको पढ़ना है। अब यहाँ पर आज मैं आपसे 8 मेडिसिन जो हैं माइग्रेन की या फिर हेडेक की, जो कॉमन मेडिसिन हैं, उनको मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न इट, और आपको जो बिल्कुल एक होता है ना कि अच्छे तरीके से याद हो जाएगी दवाइयाँ, और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको इस वीडियो में उन मेडिसिन्स की पता चल जाएगी। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोग को यही नहीं पता कि माइग्रेन क्या होता है, हेडेक क्या होता है, उनके लिए एक सिंपल टर्म में ये बात है कि माइग्रेन जो होता है वो वन साइडेड होता है, या तो वो लेफ्ट होगा या राइट होगा। ओके, और जो टर्मिनेशन है उसका, वो टर्मिनेशन होता है वॉमिटिंग में। ठीक है, माइग्रेन में क्या होता है, मरीज के ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, एक तरीके से वॉमिटिंग में टर्मिनेशन है, और ऑरा के साथ भी शुरू हो सकता है, ऑरा के बिना भी शुरू हो सकता है। तो पहले से मरीज को पता चल जाता है कि उसका जो है हेडेक शुरू हो गया है। और माइग्रेन का केस बता रही हूँ मैं आपको, पहले से मरीज को ऑरा के द्वारा पता चल जाता है कि उसके सर दर्द चालू हो गया है और वो उस रेंज तक पहुंचने वाला है जहां पे उसको वॉमिटिंग होके ही रिलीफ मिलेगा। सो वॉमिटिंग होकर अगर रिलीफ मिलता है तो वो माइग्रेन में मिलता है। अब सिंपल हेडेक की अगर बात करें तो हेडेक जो सिंपल हेडेक है वो फोरहेड में हो सकता है, टेम्पल्स में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे हो रहा है और वॉमिटिंग में टर्मिनेशन भी नहीं है। ओके, सडन जो अकरेंस है और जल्दी से आना जल्दी से जाना, वो होता है एक सिंपल हेडेक, क्योंकि माइग्रेन का एक पूरा कोर्स होता है, इतने घंटे होगा, हर हफ्ते में होगा या हर दो दिन में होगा या फिर हर मंथ में होगा, इस तरीके का माइग्रेन का पैरोक्सिज्म फिक्स रहता है। ऑलराइट, तो इसकी अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आप डिस्कस करूँ तो सबसे पहली दवाई है बेलेडोना। अब बेलेडोना में जो चीज़ें हम पढ़ते हुए आते हैं कि रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, ये तो चीज़ें हैं। ओके, लेकिन अगर हम सिंपल हेडेक की बात कर रहे हैं तो बेलेडोना जो है उसमें आप देखोगे कि जो दर्द है वो जल्दी से आएगा, जल्दी से जाएगा। ओके, पेन कम सडनली, गो सडनली। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो आप ड्यूरेशन देख लो कि कैसे पेन आ रहा है और कैसे जा रहा है। ठीक है, दूसरी जानने की चीज़ ये है कि कारण, एलमेंट्स जो आप एलेंस की नोट में देखते हो लिखा हुआ एलमेंट्स फ्रॉम, वो एलमेंट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। अब बेलेडोना में तो ठंडी हवा लगते ही सर दर्द आ जाएगा, जल्दी से आएगा, जल्दी से चला जाएगा। ओके, इसके आप इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये देखो कि अब पेन हो कहाँ पे रहा है। जो बेलेडोना का पेन है वो फोरहेड में होता है, यहाँ पे मरीज के भयंकर दर्द होगा। ओके, सो फोरहेड का जो पेन है वो बेलेडोना में बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी लाइट नॉइज, कोई सी भी आवाज़, ठीक है, उससे पेन एग्रवेशन होना, ये तब ज़्यादा इंडिकेटेड होती है बेलेडोना जब मरीज को सरदर्द के साथ तेज़ बुखार हो। क्योंकि बेलेडोना हम क्या करते हैं कि जब तेज़ बुखार होता है तब मरीज को देते हैं, तो उस बुखार के साथ अगर जो सरदर्द है उसमें ये इंडिकेटेड ज़्यादा है। तो पहली दवाई मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सरदर्द में मैंने आपसे डिस्कस क्या किया है। पहला पॉइंट ये डिस्कस किया है कि दर्द आया कैसे, गया कैसे, यानी कि उसका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ओके, व्हाट आर द कॉजेशंस एंड व्हाट आर द मोडालिटीज, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर दवाई के देखने हैं। अब सेकेंड दवाई जो है वो ब्रायनिया है। सो ब्रायनिया का जो हेडेक है वो भी ठंडी हवा के कारण आता है। अब ब्रायनिया तब ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, हम देखते हैं कि मौसम बदलना, ठीक है, जलसीमियम भी तब ज़्यादा इंडिकेटेड होती है कि जब मौसम बदलता है। मौसम बदलने का सिंपल सा मतलब ये है कि दिन में तो गर्मी थी और रात को ठंड हो गई, हल्की हल्की ठंड हो गई, तो उस टाइम पर जो ब्रायनिया है वो ज़्यादा इंडिकेटेड होती है।
ठीक है। कारण ये है कि दिन में जो है इंसान उसने अपने आराम से गर्मियों के कपड़े पहने, रात को एकदम से ठंडी हवा चल गई और सर दर्द चालू हो गया। दिस इज अ वन रीजन ऑफ द ब्राइनियाज हेड एक। ओके, ब्राइनिया की मोडालिटीज क्या है? मोडालिटीज मोशन है। ऑल कंप्लेन्स आर वर्स फ्रॉम मोशन। जरा सा भी मरीज चला, चलते ही जो है उसको एकदम से जो भी पेन हो रहा है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ब्राइनिया की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज के चलते ही दर्द हो रहा है लेकिन लेफ्ट साइड इज अफेक्टेड। जो आप देखोगे कि मरीज का लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट आई देख लो आप, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके, तो ये लेफ्ट आई पेन जो है एक तरफ से हैवीनेस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एकिंग पेन, चटके चलते हैं, वो ब्राइनिया में होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी टच किया मरीज ने उससे उसका जो पेन है वो बढ़ गया, लेकिन उसने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो पेन जो है वो कम हो गया। ठीक है, सुबह सुबह जो पेन है वो ज्यादा होता है। ऑल राइट, जैसे ही मरीज पलंग से उठा, उठते ही पेन ज्यादा होना। ओके, तो ये सिम्टम्स हैं ब्राइनिया के। थर्ड मेडिसिन है नक्सवॉर्म। नक्सवॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो हर किसी को पता है कि ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, उसकी वजह से सर दर्द हो गया, अल्कोहल ज़्यादा पी ली उसकी वजह से सर दर्द हो गया, कॉफ़ी ज़्यादा पी ली उसकी वजह से सर दर्द हो गया, या फिर ढंग से सोया नहीं, ठीक है, ज़्यादा मेंटल वर्क कर लिया उसकी वजह से हेडेक हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो नक्सवॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है। ओके, ये कारण है सर दर्द आने के। अब इसमें होता क्या है कि सर दर्द आने से पहले एक सिक फीलिंग मरीज के अंदर आ जाती है, बीमार सी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि पेट खराब होगा पहले। पेट खराब होने के बाद क्या होगा, बीमार सा को महसूस करने लग जाएगा और उसको उल्टी जैसा मन करेगा, गैस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ओके, सुबह सुबह है कंप्लेंट ज़्यादा, जैसा कि ब्राइनियम में हमने देखा कि सुबह कंप्लेंट ज़्यादा है, वैसी ही कंप्लेंट ज़्यादा इसमें है नक्सवॉर्म में। ठीक है, थोड़ी सी भी आवाज़ हुई सर दर्द ज़्यादा हो गया। ठीक है, किसी के चलने की आवाज़ हुई तो सर दर्द ज़्यादा हो गया। अब मरीज अगर क्या कर लेगा, अपना सर जो है वो बांध लेगा या फिर गर्म कमरे में चला जाएगा तो उसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी कारण क्या है, हैवी फूड खाने से। ठीक है, किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया, हैवी फूड खा ली, या फिर रिच फूड, फैटी फूड जिसे हम कहते हैं वो खा लिया, आइसक्रीम खा ली, उसके बाद जो सर दर्द है वो हुआ। ठीक है, अगर किसी के मेंस्ट्रुअल पीरियड आने से पहले, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या फिर एंड में अगर सर दर्द होता है तो उसमें पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। इट्स इंडिकेटेड कन्फर्मेटरी सिम्टम। ओके, पल्सेटिला का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये भी है कि पल्सेटिला को आराम जो है वो सांत्वना से मिलता है, कंसोलेशन से मिलता है। ऑल राइट, थोड़ा सा जेंटली वॉकिंग से जो पल्सेटिला है उसको आराम मिलता है, स्पेशली वॉकिंग इन द ओपन एयर, तो उससे जो पल्सेटिला है उसको आराम मिल जाता है। ओके, फोरहेड पेन है, यहाँ पर पेन है मरीज को। ठीक है, या फिर एक साइड का दर्द है और दर्द जो है वो लोकेशन चेंज करे जा रहा है, प्रेशर से आराम मिल रहा है, नाक ब्लो करने से आराम मिल रहा है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज जिलसीमियम। जिलसीमियम का जो दर्द है उसका एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि पीछे से शुरू होता है, बैक ऑफ द हेड से जो सर दर्द है वो शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाता है, फोर हेड में जाता है। ठीक है, यानी कि पीछे सर दर्द शुरू हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर आके रुक गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आराम प्रोफ्यूज यूरिनेशन से मिलता है। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, मरीज को धुंधला धुंधला दिखने लगेगा या फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो मरीज के अंदर आएंगे, ये इसके इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेटरी सिम्टम है जिलसीमियम के। इसमें मरीज को ऐसा लगता है कि कोई बैंड है जो सर के आसपास बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व है जिलसीमियम में। ठीक है, यूरिनेशन से आराम मिलता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। थोड़ा सा भी लाइट हुई, नॉइज हुई, इससे इसको एग्रवेशन है। ठीक है, पेशेंट इज फीलिंग डल, टायर्ड, हैवी एंड एपेथिक, वॉन्ट्स टू लेफ्ट अलोन और इरिटेबल, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इज आयरस। आयरस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोरहेड के एक तरफ जो दर्द है वो होगा, स्पेशली जो राइट साइड है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। ओके,
जो भी सर दर्द है वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है एंड धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, विजुअल चेंजेस होंगे, नौशिया वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग के बाद और ज़्यादा जो हेडेक है वो वर्स हो जाएगा और चलने से ओपन ईयर से जो हेडेक है उसमें आराम मिलेगा। सो आयरस जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसमें जो GIT डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन सेंग्यूनेरिया, और सेंग्यूनेरिया में भी जो पेन है वो बैक से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जेलसीनियम में शुरू हुआ था, और राइट साइड में जो पेन है वो मरीज के जा रहा है, राइट आई में जा रहा है, और ये भी पीरियोडिकली आता है जैसे आयरिस में पीरियोडिकली है। नौशिया, वॉमिटिंग और वॉमिटिंग से आराम, आयरिस में वॉमिटिंग से आराम नहीं मिला है, सेंग्यूनेरिया में वॉमिटिंग से आराम मिल गया। ओके, जो पेन है वो बिल्कुल शार्प नाइफ लाइक पेन है एंड चलने से मरीज को दिक्कत है, ऑल राइट, और सोने से आराम है, प्रेशर से आराम है। नेक्स्ट मेडिसिन इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि पेन तो बैक से ही शुरू होगा लेकिन वो लेफ्ट आई में सेटल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक और शोल्डर्स, जो मरीज के नेक है और शोल्डर रीजन है वहाँ पे भी स्टिफनेस है। ओके, अगर मरीज ने थोड़ा सा भी सर को, कई लोग होते हैं जो सर को तकिए के सिरहाने रख के और फिर लेटते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके सर को, तो उस तरीके से अगर मरीज लेटा है तो उसमें उसको आराम मिलता है। ओके, और ठंडा पानी से अगर सर धो लिया, ठंडा कुछ सेक वेक कर लिया, उससे उसको आराम मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर आराम मिलता है, उसके बाद जो पेन है वो फिर से इंक्रीज हो जाता है। आंखों के आसपास पेन हो रहा है और सॉकेट्स में पेन हो रहा है, तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्पाइजीलिया में प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द 8 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड कवर्ड द थेरेप्यूटिक्स ऑल्सो ऑफ दीज मेडिसिन। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर दर्द आया कैसे, कारण क्या था, कोर्स ड्यूरेशन क्या था उस सर दर्द का, और उसकी मोडालिटीज क्या क्या हैं, और मोडालिटीज में इम्पॉर्टेंट चीज़ है आराम कैसे मिल रहा है, क्योंकि जब भी मरीज सर दर्द से सफ़र करता है तो वो आराम ढूंढता है और उसको ये चीज़ याद रहती है कि मुझे इस वजह से आराम मिला था। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट सिम्टम। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रही होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस की है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो इम्पैक्ट।